अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस्तकबाल है तेलंगाना टाइम्स टुडे न्यूज़ में। आइए देखते हैं आज के अहम खबरें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। मैं सोशल वर्कर सफिया माही, एनजीओ नारी निकेतन प्रेसिडेंट। आज हम लोग को गोलकुंडा पीएस लिमिट के एरिया से एक फ़ोन आया 10:30-11 बजे के बीच के। एक बड़ी भी यहाँ पर ख़ुदकुशी करने जा रहे थे और वहाँ के कुछ लोग पकड़ के, मुकामी लोग उनको पकड़ के रखे और हमको फ़ोन करने पर हमारी टीम में जो हैदर मेहमान हम लोग जाके उनको गोलकुंडा पीएस के नॉलेज में रख के ला के यहाँ पर केएस मा ओल्ड एज होम में रखा है। हमको देख रहे, उनसे गुजारिश है, देखिए माँ वो ख़जाना है, जितना खर्चा करो वो बढ़ते जाती। आजकल माँ की, जैसे ही माँ की एज उम्र हो जा रही, रोड पे उन लोग को मरने के लिए छोड़ दे रहे। जो भी बच्चे हमको देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे, अपने माँ की हिफाजत करिए। जिसके माँ नहीं है उनके दिल से पूछिए तकलीफ़ क्या होती। ये बेचारे अभी ख़ुदकुशी कर लेते तो इसके ज़िम्मेदार कौन रहते थे। उन्होंने अपने को पाल पोस के बड़ा करते, वो भूखे रह के अपने को खाना खिलाते, एक टाइम वो खा के अपने को 3 टाइम खाना खिलाते। इनको 6 बच्चे और 3 बेटियां हैं बोल रहे हैं। इतने रहते पर इन आज सुबह 10 बजे से इन घर से बाहर है और कोई पीएस में कंप्लेंट नहीं है। हर पीएस में 2-3 पीएसओ में हम जाके मालूम भी करें, इनकी कोई कंप्लेंट नहीं है। इनका नाम क्या था मैडम? इनका नाम बदरुनिसा है और ये 55 से 60 साल है। कौन सा एरिया कुछ बताया उन्होंने, कहाँ रहते थे, क्या है, क्या नाम? उट्टापल्ली बोल रहे, कभी शाहीन नगर बोल रहे, कभी किशन बाग बोल रहे। वहाँ के कुछ लोग तो बोल रहे कि इन्हों खुदकुशी करने जा रहे थे और वो लोग पकड़ के इनको बिठा के रखे। बच्चे पैदा होते अगर माँ बाप अगर मार देते तो बच्चे आज नहीं बड़े होते थे। माँ बाप जैसे ही उनकी उम्र हो रही, बच्चे इनको रोड पे मरने के लिए छोड़ दे रहे। जो भी हमको देख रहे उनसे रिक्वेस्ट है, अपने माँ बाप की हिफाजत करिए। अल्लाह।